एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में आगामी गणतंत्र दिवस व चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान एसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि बैठक कानून व्यवस्था और क्राइम, सर्दी के मौसम में हो रही चोरियां व लूट की वारदातों सहित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा मातहतों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, चुनाव के दौरान नहीं करोगे तो लाइसेंस की फॉर्म में एक चीज होती है, क्या होती है उसमें लिखा होता है ना लाइसेंस के फॉर्म में कि पुलिस को कॉपरेट करेंगे, शासन प्रशासन को वो कॉपरेट करेंगे, वो तो हम इसमें लिखेंगे और एक्सरसाइज फॉर द डेमोक्रेसी। ये आप बात समझिए, इसमें ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिख दिया दिस फेलो इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी खत्म है, इसका कोई जवाब नहीं है कि आपसे जवाब तलब क्यों नहीं किया गया, तो पहला पहली सुनवाई का उत्तर, तो दूसरी सुनवाई का उत्तर, तो तीसरी का कुछ नहीं। ये चीज आप बता सकते कि वो इलेक्शन वाले दिनों में सिविल फोर्स होती है जो आपको खबर भी देती है, वक्त जरूरत चार आदमी आपके साथ आ जाएंगे। S10 की लिस्ट बनी है, S10 हो गया सभी गांवों में संभ्रांत 10 लोगों का नाम और मोबाइल नंबर अद्यतन। ये जो अभी बहुत सारे संदर्भ हैं 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर के गजेटेड अफसरों के साथ एक मीटिंग ली गई है, साथ ही जो वर्तमान में कानून व्यवस्था और क्राइम की चुनौतियां हैं उनको भी डिस्कस किया गया। सर्दियां हैं जिसमें चोरियों की वारदात है, लूट की वारदात है, इस पर भी डिस्कस किया गया और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि अभी जो कल परसों में एक वारदात हुई थी जिसमें 7,000 रुपये छीने गए थे उसके अभी पकड़ लिए गए हैं और उनसे और खुलासे की उम्मीद है। और इसके साथ ही साथ एक इलेक्शन प्रिपेयरनेस की भी एक एडवांस मीटिंग, हालांकि काफ़ी दिन है उसके लिए भी एक मीटिंग रखी गई थी, तो 2-3 बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करके हमने अपनी पुलिस फोर्स को दिशा निर्देश दिए।